हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू सिंधी तड़का। जय झूलेलाल। सो टुडे वी आर मेकिंग बेसन की सब्जी। सो मम्मा हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? बेसन के चीले की सब्जी। सो सिंधी सब्जी बहुत टेस्टी बनी, सिंधी स्टाइल में बना रहे हैं फ्रेंड्स। और चटनी में भी बना रहे हैं जो है प्याज और लहसुन की। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, सो मम्मा अब आपको बताएंगी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या लिए हैं। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया। सो ये हमारी बेसिकली चटनी के लिए, ये हम बनाएंगे इसमें चटनी। ठीक है। उसके बाद पिसी हुई खटाई, धनिया पिसी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा एंड बेसन एंड धनिया एंड घी। ओके, और वाटर। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम चटनी पीसना। इसमें हमने धनिया, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन चार। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा जीरा, थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल के। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्वांटिटी ली है दो प्याज, दो से तीन छोटी छोटी हरी मिर्च, थोड़ा सा और 11 से 12 लहसुन की कली और थोड़ा सा धनिया। इसको हम पीसेंगे। चटनी हमारी पिस गई है, चटनी हमारी एकदम रेडी है, इसको साइड कर देंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे बेसन का गोल। सबसे पहले हमें बेसन चाहिए, चीले का बेसन का गोल बनाएंगे चीले के लिए। ठीक है। तो हमने वन बोल बेसन ले लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा नमक 2 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गोल बनाएंगे। थोड़ी सी पिसी खटाई डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर जिसको हम पिसी खटाई कहते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसका अच्छा सा पेस्ट बना। ऐसे बनाना है, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, तो लम्स नहीं पड़ने चाहिए, आप कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है चीले के लिए, रेडी हो गया है। इसको रखते हैं साइड में। अब हम बनाते हैं अपनी चटनी। चटनी में मसाले ऐड करेंगे ना हम। फ्रेंड्स, अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया, अपना पैन रख लिया है। अब हम इसमें अपना घी डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे चटनी। अब इसमें ऐड कर रहे हैं चटनी। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसी धनिया, पिसी धनिया हमने कम से कम 1 से 1.5 चम्मच लिया है। पिसी हुई खटाई डालेंगे, पिसी हुई खटाई हमने 2 चम्मच ली है, अमचूर पाउडर छोटे 2 चम्मच। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा नमक, नमक डाल रहे हैं अब हम फ्रेंड्स 3 चम्मच, छोटे 3 चम्मच। इसके हम थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चटनी बनाना तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स हम कैसे बनाते हैं। हम ऑलमोस्ट जितनी भी सब्जियां हैं वो इस चटनी के अंदर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार बना के घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करें, आप बार बार बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी चटनी हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो गया है और इसको बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। मसाले डाले, 2 से 3 मिनट स्टर करके इसे लो फ्लेम पर पकाया और यू आर गुड टू गो। सो फ्रेंड्स, हमने अपना पैन रख दिया है और फ्लेम ऑन कर लिया। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, हल्का सा। हमने स्टिक तवा रख दिया, उस पर हल्के से हमने थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। अब हम बनाएंगे चीला। अब इसमें हम फ्रेंड्स डालेंगे अपना चीला। ये नॉन स्टिक पैन है तो उस पर कोई भी आपका चिपकेगा नहीं और आप देखना कितना ईजिली बन जाएगा। ना ज़्यादा आपको बहुत पतला करना है, ना ज़्यादा बहुत मोटा करना है, और फ्लेम को हाई कर दें। थोड़ा हम इसको अब ढक के पकाएंगे। हाँ, तो मम्मा लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाँ, लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा स्टीम देंगे, जब तक ये थोड़ा वो नीचे से सिक जाएगा। ठीक है, फिर अच्छी तरह पलट जाएगा। अब हम लिड हटा के गाइस इसको पलटाएंगे और देखेंगे हमारा नीचे से अच्छे से सिक गया कि नहीं। वैसे बेसन पक जाता है जल्दी, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको सेकेंगे, ये सिक गया है, इसको अच्छे से सेकें। इसमें डालेंगे चटनी बीच में से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा चीला सिक चुका है चारों तरफ से। अब इसमें हम डालेंगे चटनी जो हमने ऑलरेडी बना के सबसे पहले रख ली थी।
अब हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। अब इसको अच्छे से दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। अब हमारा चीला बनके बेसन का बिल्कुल रेडी है, हम इसको उतार लेंगे। परफेक्ट, एक हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे दूसरा। अभी बन चुका है, अब इसमें थोड़ी चटनी डालेंगे। चीला रेडी है, अब इसमें भी सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, सेम चटनी आपको डालनी है इसके अंदर और इसको रोल करना है। आपको ऐसे ही चटनी को पूरी चारों तरफ स्प्रेड कर देना है एक तरफ से। इसके बाद इसको फोल्ड करना है। अब इसको सेम प्रोसेस फोल्ड करना है। इजीली फोल्ड हो जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि नहीं बनेगा। बस आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन लें जिससे आपको इजी हो, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे क्योंकि ये चिपकता है। अब हम इसको उतार लेंगे नीचे अपने ट्रे में। अब इसके आगे का प्रोसेस मम्मा आपको बताएंगी कि हम क्या करते हैं। अब इसको हम नाइफ से कट करेंगे पीसेस में, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। अब हम अपने पीसेस ऐसे करके निकाल लेंगे जो हमने कट करे थे, सारे में से निकाल लेंगे सारे। ये फर्स्ट वाला मम्मा ने ऑलरेडी कट कर लिया था, सेकंड वाला आपको कट करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हमारे आप देख सकते हैं चीले ऑलरेडी रेडी हैं। अब हम इसमें चटनी के फ्लेम को ऑन करेंगे। अब जो बचाई हुई है उसमें से हम ग्रेवी बनाएंगे। अब जो हमारी लेफ्ट चटनी है उसमें उससे हम ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर हम चीले डालेंगे, टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसमें हम 2 से 3 बड़े टमाटर की प्यूरी हमने रेडी करके रख ली थी फ्रेंड्स, उसको ऐड करेंगे और अच्छे से स्टर करके मिक्स करेंगे। अब हम अपने गैस को चेक करेंगे ऑन करके। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, बेसन तो वो चीले ऑलरेडी रेडी होते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स आपको थिकनेस इतनी रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, क्योंकि जो बेसन है वो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वैसे बने हुए हैं थोड़ी देर। अब हमें इसको चीलों को सारे इसमें ऐड कर देना। सो फ्रेंड्स अब हमने सारे चीले इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं कलर कितना ही ज़्यादा अच्छा रहा है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। 2 मिनट इसको ढक के रखेंगे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट बस। और उसके बाद हम अपना हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे। अब हम अपना ढक्कन हटा के देखेंगे, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है फ्रेंड्स। रेडी हो गई सब्जी बन के रेडी हुई, इसमें हम डालेंगे धनिया, धनिया कटी हुई, हरा धनिया, उसके बाद इसको रेडी हो गई। अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे, फ्लेम ऑफ कर दें फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, दिखने में इतनी अच्छी है तो फ्रेंड्स खाने में कितनी टेस्टी होगी। हमारे लंच के लिए प्लेट रेडी है, चलते हैं हम लंच करें। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा लंच एकदम रेडी है, प्लेट ये कर्ड सब्जी विद रोटी। सो ये बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर बनाएं। सिंधी सब्जी है, मस्त रेसिपी है, बहुत बढ़िया, आप बना के देखिए इसको। यस फ्रेंड्स ये सिंधी तड़के से बनी है, मतलब बहुत लजीज होती है, इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। और क्या कहोगे मम्मा मेरे फ्रेंड्स को? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स और एंड तक देखें। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ओके फ्रेंड्स, हमारी लंच एकदम रेडी है और बहुत टेस्टी बना है, हम अभी खाएंगे भी इसे और आप अपने घर पे इसी स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को बनाएं और टेस्टी बनती है रेसिपी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत सिंपली स्टाइल में बनाई है सब्जी हमने। Yes. सब्जी बनाई है बेसन के चिल्ले की सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत इजी है, इतना ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है फ्रेंड्स। हाँ थोड़ा सा ऐसे केयरफुली बनाना पड़ता है ताकि चीले टूटे। हाँ वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत बनती है।
पसंद आएगा आपको। यस yes. और आई नो आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, आज सास बहू ने सेम टी शर्ट पहनी है फ्रॉम बॉन्कर्स, तो आप भी ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आस वीडियो। सो खुद से प्यार करिए, फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड जय झूलेलाल एवरीवन। झूलेलाल, बाय बाय।